नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट लाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हमने अपना पुट्टी प्राइमर और कलर का जो कार्य है वो शुरू किया है। श्री गणेश जी और श्री देवीलाल जी नैन ग्राम भुरावास के घर पर, और आज का हम अपना कार्य आपको दिखाए। तो ये एक कमरा हो गया और उसके बाद ये इनका जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों पर पूरा डबल हाथ है। इन पुट्टी का जो डबल कोट है वो डबल कोट आ गया है। इसके अलावा ये जो इनका रसोई घर है, ये रसोई घर भी हमने पूरी तरह से तैयार कर दिया है। और एक इनके जो ऊपर का जो रूम बना हुआ है वो रूम भी हमने तैयार कर दिया है। तो काफ़ी सारा हमने आज आर्ट लाइन SR स्वामी की जो रफ्तार है उस रफ्तार के हिसाब से हमने काम किया। और अभी तो हमारी टीम का 2 से 3 सदस्य मिस है, हम आज 4 ही सदस्य काम पर आ पाए। तो ये है ऊपर का कमरा, और ये ऊपर का कमरा भी हमने डबल कोट पुट्टी का तैयार कर दिया है। अभी कल रेजमाल से इनकी घसाई, और घसाई के बाद प्राइमर का कोट लगेगा, उसके बाद कलर के जो डबल कोट आ गए हैं वो कोट लगेंगे। हमें 5 मार्च से पहले वो सामने का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो बिल्डिंग, और दूसरा जिस बिल्डिंग पर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ ये बिल्डिंग, ये दोनों हमें 5 मार्च से पहले तैयार करके देनी है। और ये बिल्डिंग्स बनी हैं रेडी भुरावास गांव के बिल्कुल कोने में, एकदम शुद्ध शांत वातावरण में। आप देखेंगे इधर, ये देखिए पूरा खेतों में हरियाली, सरसों की फसल काफ़ी अच्छी, और बिल्कुल खेतों के कोने पर बना हुआ ये मकान है। और ये बिल्डिंग्स खेतों के बाजू में बनने की वजह से यहाँ खुशबू आ रही है सरसों की, इतना लुभावना जो मौसम है वो मौसम रहता है। और बिल्कुल शुद्ध शांत वातावरण में ये लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, काफ़ी किस्मत वाले हैं। ये पीछे की साइड में पूरा सरसों का फसल आप देख ही रहे हैं। तो आज का जो काम है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये इतना काम हम 4 दोस्तों ने मिलकर आज एक दिन में ही तैयार कर दिया, पूरा डबल कोट पुट्टी का लगाया। और अभी कल हमारा जो सदस्य है वो बढ़ जाएगा, 2 से 3 सदस्य और आ जाएंगे हमारे पास काम पर, और फिर लगेगा काफ़ी अच्छा और फिर से रफ्तार पकड़ी जाएगी। ये हैं रोहिड़ा की लकड़ी से बने हुए गेट, और इन पर वो मोबिल जो होता है वो मोबिल लगाने की वजह से कितने चमक रहे हैं आप भी देखिए। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय गणपति बप्पा।